धानाचे कुठार म्हणून ओळखला जाणाऱ्या गोंदिया जिल्ह्यात 183 शासकीय आधारभूत धान्य खरेदी केंद्रावरून खरेदी केलेला 541 कोटी रुपयाचा धान्य नष्ट होण्याच्या मार्गावर पडून आहे. याला कारण म्हणजे गोंदिया जिल्ह्यातील राईस मिलर संघटनेने आपल्या विविध मागण्यांसाठी धान्य भरडाई बंद करून ठेवली आहे. मागील 6 महिन्यापासून खरेदी केलेला 24,77,996 क्विंटल धान्य भरडाई न झाल्याने खरीप हंगामात खरेदी केलेला धान्य नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. तर रब्बी हंगामाचा धान्य खरेदी करून ठेवायचा कुठं असा प्रश्न जिल्हा पणन कार्यालयाला पडला आहे. गोंदिया जिल्ह्यामध्ये 125,129 शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन केलेली होती. त्यापैकी 183 केंद्रांवर 80,806 शेतकऱ्यांकडनं 24,77,990 क्विंटल धान खरेदी केलेली आहे. त्याचे 540,94,00,000 रुपये शेतकऱ्यांना आदा झालेले. किती धानाची भरडाई झालेली आहे आतापर्यंत? अजून धानाची भरडाईला सुरुवात झालेली नाही. गोंदिया जिल्ह्यामध्ये मिलर्स असोसिएशनचा संप असल्याने अद्यापपर्यंत भरडाई सुरू झालेली नाही. सर, किती लोकांनी फॉर्मची उचल केलेली होती भरडाई करण्यासाठी करार करायला? जिल्हा समन्वय समितीने 353 राईस मिल धारकांना मंजुरी दिलेली आहे. त्याच्यापैकी 196 मिल धारकांनी या कार्यालयातून करारनामे घेऊन गेलेले आहेत. त्याच्यापैकी 33 मिल धारकांनी करारनामे या कार्यालयात जमा केले आहेत, परंतु भरडाईचं काम अद्याप चालू केलेलं नाही. सर, नुकतीच काहीतरी पत्र प्राप्त झालेलं आहे DMO ना DSO ला. त्या पत्रामध्ये असं नमूद करण्यात आलं आहे की 2 तारखेपर्यंत या लोकांनी जर धानाची भरडाई करायला सुरुवात केली नाही तर यांची अमाणत रक्कम जप्त करण्यात येईल. हो, जसं आता जिल्हाधिकारी साहेबांचे जसे आदेश असतील त्याप्रमाणे कारवाई करण्यात येईल. गोंदिया जिल्ह्यात वर्ष 2023-24 या काळात जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनकडे गोंदिया जिल्ह्यात 125,129 शेतकऱ्यांनी धान्य विक्रीकरिता ऑनलाईन नोंदणी केली असून त्यापैकी 80,806 शेतकऱ्यांनी शासकीय धान्य खरेदी केंद्रावर 27,77,996 क्विंटल धान्य विक्री केला. या धानाची 540,94,53,076 रुपये शेतकऱ्यांना अदा करण्यात आले असून खरेदी केलेला धान्य गोदामात तसेच उघड्यावर पडून आहे. तर जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनकडे गोंदिया जिल्ह्यातील 353 राईस मिलर्सपैकी 196 राईस मिलरने धान्य भरडाई करण्यासाठी करार फॉर्मची उचल केली होती. त्यापैकी 33 राईस मिलरने धान्य भरडाईचा करार जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनकडे जमा केला असून धान्य भरडाई सुद्धा केली नसल्याने पणन विभागाने 15 एप्रिल 2024 गोंदिया जिल्ह्यातील राईस मिलर सोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मीटिंग घेत धान्य भरडाई करण्यासाठी विनंती केली. मात्र राईस मिलर आपल्या मागण्यावर अडून असल्याने धान्य भरडाईचा मार्ग निघाला नाही. तर काय आहेत राईस मिलरच्या मागण्या पाहूया. 150 रुपये क्विंटल प्रमाणे भरडाई दर द्यावी, हमाली दर वाढवून द्यावी, वाहतूक दरात वाढ करावी यासह अन्य मागण्यांना घेऊन राईस मिलर धान्य भरडाई करण्यास तयार नसून जोपर्यंत मागण्या मान्य होणार नाही तोपर्यंत धान्य भरडाई करणार नाही असा पवित्रा राईस मिलर असोसिएशनने घेतला आहे. प्रथम मांग है कि हमको 150 रुपये मिलिंग रेट होना और या आप ट्रायल मिलिंग करा लो कि इसमें कितना नुकसान होता है, वो नुकसान की भरपाई और जो भी आपको हमारे को मिलिंग के पैसे यानी हमारे को जो हमारी मजदूरी के पैसे देना है वो दे दीजिए. ट्रायल मिलिंग की हम लगातार मांग कर रहे हैं, ट्रायल मिलिंग की मांग पूरी नहीं हो रही. प्रमुख वही है, ट्रांसपोर्टेशन रेट हमारे 20-21 तक जो मिल रहे थे नॉर्मल कोर्स में उसमें भी हमको नुकसान होता था. वो ट्रांसपोर्ट 20-21 के रेट में 21-22 में उन्होंने 40% कम कर दिया. क्या लगता है आपको, अभी रबी का धान अभी काटाई में आ गया है, मिलिंग होके भी मिलिंग के लिए भी आएगा, तो ऐसे समय में वो धान कहाँ रखा जाएगा क्योंकि पहले की गोडाउन से अभी तक माल नहीं उठाया गया है और जो घट भी आने वाली है उसका भी भुगतान अभी करना पड़ेगा. इसका अभी सबसे बड़ा नुकसान अभी जो एग्जिस्टिंग में जितना धान है ना, इस धान का तो ये अगर हमें आश्वासन और अच्छे आदेश करते हैं पुराने सालों के, हमारे पेमेंट रिलीज होने की संभावना बनती है तो हम भी बैंक गारंटी बनाने की, हमारे पास भी तो रुपया होना ना, बैंक गारंटी बनाने के लिए बैंकों को रुपया देना पड़ता है. इन्होंने खरीदी 2183 रुपये की धान किया, 3,000 रुपये क्विंटल से हम बैंक गारंटी मांगते हैं तो हमको तो पैसा लगेगा. तो ये पैसा रिलीज होना चालू होगा, हम तत्काल कस्टम मिलिंग और साथ में आश्वासन मिलेगा कि 150 रुपये मिलेगा या 150 रुपये की रेट करेंगे तो हम मिलिंग कर पाएंगे. अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे किसान भाई जो रबी क्रॉप आ गई है, हमारे ज़िले में 50,00,000 क्विंटल की रबी क्रॉप की खरीदी होती है और कोई तैयारी नहीं है DMO साहब की भी और TDC की भी कि वो धान खरीदी करेंगे तो रखेंगे कहाँ. तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो किसान भाइयों का होने वाला है. हमारी अन्य विभाग के साथ मीटिंग हुई थी और अन्य विभाग ने हमें, नए सेक्रेटरी साहब भी आए हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम जल्द ही आपकी मांग पूरी करेंगे. उसमें कुछ मांगों में आचार संहिता का, आदर्श आचार संहिता का की अड़चन आ रही है तो हमने उसके लिए भी मांग किया है कि ये जो अभी परिस्थिति है ये इसेंशियल कमोडिटी है अनाज, इसेंशियल कमोडिटी में आने से और अनाज फूड ग्रेन की रक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है सभी नागरिकों का. तो हमने उनसे मांग किया है कि आप
एक्सेप्शनल केस के अंदर देश में आचार संहिता के रहते भी चीफ सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर आदेश कर सकते हैं, ऐसे एक्सेप्शनल केस गिन करके ऐसे आदेश कीजिए जिससे मिलर के पास रुपया, उनको उन्हीं का रुपया है मिलर का जो आपके पास फंसा हुआ है, वो उनको रिलीज होना चालू हो तो मिलिंग करेंगे। मिलिंग के लिए सीएमआर का चावल रखने के लिए गोदाम किराए से नहीं लिया, आपके ऊपर कहीं ना कहीं मिलर्स पे दबाव बनाया जा रहा है कि चावल की भंडाई करो करके? हाँ, एक भी गोडाउन किराए से लेने का उन्होंने कोई प्रक्रिया ही नहीं किया है। भंडारा जिले में कुछ लोगों ने वहाँ पे सीएमआर चालू किया और गोडाउन किराए से नहीं? जी हाँ, भंडारा जिले में हुआ है लगभग यानी जो मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ 30% के आसपास उनका धान उड़ गया है, लेकिन चावल पूर्ण जमा नहीं हुआ है उसका। लेकिन अब वहाँ पे भी जो मिलिंग हुई थी वो आश्वासन पे हुई थी, तो वो आश्वासन 2 महीने से उनके आश्वासन कोई पूरे हुए नहीं, तो धीरे धीरे वो भी बंद की ओर अग्रसर हो गए हैं, लगभग वहाँ बंद हो गया है काम। तर 2 मे 2024 पर्यंत गोंदिया जिल्ह्यातील कराड केलेल्या 33 राईस मिलरने धान्य भरण्याला सुरुवात केली नाही, अशा 33 राईस मिलर्सला काळ्या यादीत टाकून त्यांचे करारनामे देखील रद्द करणे, ईएमडी जप्त करून त्यांचा अहवाल पाठवण्याच्या सूचना अन्न नागरी पुरवठा विभागाने पणन विभागाला दिल्या आहेत। तर दुसरीकडे जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होणार नाही तोपर्यंत धान्य भरणाही करणार नाही असा पवित्रा राईस मिल मालकांनी घेतला आहे।